मॉर्निंग क्लास, आज पार्ट 3 संधि के अंतर्गत मैं आपको संधि के भेदों के बारे में बताऊंगी, जिसमें व्यंजन संधि का आज मैं दूसरा नियम आपको बताऊंगी। दूसरे नियम में पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि कब हमारा, हम संधि करते समय कब हमारा पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, इसमें वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त और प, ये जब भी न और म से मिले ये वर्ग के पहले वर्ण हैं, और ये जब भी न या म से मिलते हैं तो क, च, ट, त और प अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए कि पहले वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण अगर न से और म से मिलता है तो वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे उत मुख, अब यहां पर ता है और यहां पर मा है, मा से मिला है इसलिए यहां पर ता जो है अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण यानी कि ना में बदल जाएगा और उसकी संधि हो जाएगी उन मुख। यहां पर वाक मय, यहां पर क अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में जब बदलेगा तो जाएगा वांग मय। ऐसे ही तीसरा है उत नति, यहां पर भी ता अपने ही वर्ण के वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा और ये यहां पर ना हो जाएगा और हो जाएगा उन नति। तो जब भी वर्ग का पहला वर्ण ना से या मा से मिलता है तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। Thank you.